वेलकम टू रविंद्र एकेडमी दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है हम स्टार्ट करने वाले हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो देखिए बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को हम बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे जिससे आपके वन लाइनर क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे और जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन हैं थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन दोनों आपके कवर हो जाएंगे। तो आई होप आप अब तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, हमने डायोड पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले ये चेक कर लीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो देखिए बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को हम शॉर्ट में बीजेटी भी बोलते हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर ही नाम क्यों रखा गया है, कुछ और क्यों नहीं, ये भी कभी कभी इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बाइपोलर का मतलब क्या होता है। देखिए दो चीज होती हैं, एक होता है बाइपोलर, दूसरा होता है यूनिपोलर। बाइपोलर का मतलब यह होता है कि जो इस डिवाइस में करंट फ्लो हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से हो रहा है। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, कंडक्शन टेक्स प्लेस बोथ, सॉरी, कंडक्शन टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। मतलब यहां पे जो कंडक्शन हो रहा है इस डिवाइस में ये इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से हो रहा है, बट यूनिपोलर में क्या हो रहा है, कंडक्शन टेक्स प्लेस आइदर बाय मीन्स ऑफ होल्स एंड और बाय इलेक्ट्रॉन्स, आइदर बाय इलेक्ट्रॉन और होल्स, राइट। मतलब यहां पे जो कंडक्शन हो रहा है वो या तो इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है या हमारा किसकी वजह से हो रहा है, होल्स की वजह से। बट बाइपोलर में क्या हो रहा है, दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं कंडक्शन में। अब देखिए बेसिक कंस्ट्रक्शन कैसा होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का। अगर हम बेसिक कंस्ट्रक्शन की बात करें तो तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है ये। पहले की हम बात करें अगर, तो इसे बोलते हैं एमिटर, दूसरे की अगर हम बात करें तो इसे बोला जाता है बेस, तीसरे की हम बात करें तो इसे बोला जाता है कलेक्टर। अब मुझे बताइए इसे एमिटर ही क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये चार्ज कैरियर्स को एमिट करता है, मतलब चार्ज कैरियर्स को भेजता है किस डायरेक्शन में। अब यहां पे कलेक्टर भी है, कलेक्टर का मतलब वो डिवाइस का वो पार्ट जो इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करने का काम करता है। तो कोई भेजेगा तब तो कोई कलेक्ट करेगा, तो एमिटर भेज रहा है, कलेक्टर कलेक्ट कर रहा है। बेस का क्या काम होता है हम आगे डिस्कस करेंगे। जो चार्ज कैरियर्स है वो बेस के थ्रू पास होके जाते हैं, मतलब कैरियर ने 100 इलेक्ट्रॉन्स भेजे तो वो बेस को पहले क्रॉस करेंगे फिर कलेक्टर तक पहुंचेंगे। चार्ज कैरियर्स पासेस थ्रू बेस, राइट। तो ये एक मोटा मोटा आपको आइडिया लग गया कि कंस्ट्रक्शन मेनली कैसे होता है। तो चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ बीजेटी। हेडिंग डाल लीजिएगा टाइप्स ऑफ बीजेटी। टाइप्स ऑफ बीजेटी, तो देखिए दो टाइप के बीजेटी हमें पढ़ने हैं। पहला है एनपीएन टाइप और दूसरा है पीएनपी टाइप, राइट। तो अगर हम इसे कंस्ट्रक्शन के फॉर्म में शो करें तो थ्री पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया,
ये है हमारा, मान लेते हैं एनपीएन, एनपीएन, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये हमारा बन गया एनपीएन ट्रांजिस्टर। और अगर एनपीएन की जगह हमने डोपिंग कैसी कर दी, पीएनपी जैसी, पीएनपी, तो ये हमारा बन गया पीएनपी ट्रांजिस्टर। राइट। तो अब आप देखना, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं जो हमेशा आपको याद रहना चाहिए। ये तो है हमारा क्या, एमीटर, ये है बीच वाला बेस, ये लास्ट वाला क्या है, कलेक्टर। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि जो एमिटर होता है वो हैवली डोप्ड रखते हैं उसे। तो कैसे पहचानेंगे कि ये यहाँ पे दो एन है, एमिटर हैवली डोप्ड होता है और कलेक्टर कैसा होता है, लाइटली डोप्ड। तो कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पे एन प्लस लगा दीजिए, यहाँ पे एन माइनस लगा दीजिए। इसका मतलब जो एमिटर है वो हैवीली डोप्ड है, हम प्लस को देख के बता सकते हैं, और जो कलेक्टर होता है वो लाइटली डोप्ड होता है, हम माइनस को देख के बता सकते हैं। तो बेस कैसा होता है, बेस मॉडरेटली डोप्ड होता है। राइट। अब देखिए, यहाँ पे हम प्लस लगा देते हैं, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, तो मतलब ये रीजन यानी कि एमिटर रीजन हाईली डोप्ड है, ये वाला रीजन यानी कि कलेक्टर रीजन कैसा है, लाइटली डोप्ड। पूरा रीजन हम समझेंगे, क्यों हाईली है, क्यों लाइटली, क्यों मॉडरेटली, वो सारी चीजें हम देखेंगे। राइट। अब इसके तीन टर्मिनल होते हैं, बेस टर्मिनल, एमिटर टर्मिनल और क्या होता है बताइए, कलेक्टर टर्मिनल। तो यहां पे हमने एक टर्मिनल कनेक्ट कर दिया, यहां पे हमने एक टर्मिनल कनेक्ट कर दिया, यहां पे हमने एक टर्मिनल कनेक्ट कर दिया। तो यहां पे मैं करके बता देता हूं, इसे आप बोल दोगे बेस, बेस टर्मिनल, यहां पे आप बोल दोगे कलेक्टर टर्मिनल, और यहां पे एक टर्मिनल निकाल दीजिए, इसे आप बोल देना क्या, एमीटर टर्मिनल। राइट। तो जब हम अपने सर्किट को सॉल्व करेंगे तब ये स्ट्रक्चर यूज नहीं करेंगे। कैसा स्ट्रक्चर यूज किया जाता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर यूज किया जाता है, देख दिखा देता हूं मैं। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं। तो अगर ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन, तो जो करंट का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इस तरह से एमीटर से अंदर आ रहा होगा करंट। मतलब ये बेस है, ये हमारा क्या है, कलेक्टर, और ये हमारा क्या है, एमीटर, यह है एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब पीएनपी बनाना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पीएनपी अगर हमें बनाना है तो बेस तो अपनी जगह ही रहेगा, ये हो जाएगा कलेक्टर, ये हो जाएगा एमीटर, ये समझ में आ रहा है। तो कैसे पहचानेंगे हम कि ये एनपीएन है और ये पीएनपी है, तो पीएनपी में क्या होता है, जो करंट है वो एमीटर से बाहर निकलता हुआ शो करा देते हैं हम, इसे हम बोल देते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर। राइट। अब एक क्वेश्चन आपसे बहुत फ्रिक्वेंटली पूछ लिया जाता है कि अब हमारे पास तो दो टाइप के ट्रांजिस्टर हैं, आपने देखा, एक एनपीएन है, एक पीएनपी है। तो अगर आपसे बोला जाता है कि प्रैक्टिकली हम कौन सा ज्यादा यूज करते हैं, पीएनपी या एनपीएन, तो हमेशा हम एनपीएन ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं मोस्ट फ्रिक्वेंटली, पीएनपी ट्रांजिस्टर ज्यादा यूज नहीं किया जाता। क्यों, क्योंकि यहां पे देखिए, एनपीएन ट्रांजिस्टर में एमीटर किसका बना है, हाईली डोप्ड एन टाइप, पीएनपी में देखिए एमीटर किसका बना है, हाईली डोप्ड पी टाइप। तो अब मुझे बताइए, N प्लस में इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे,
और होल्स क्या होंगे, कम होंगे, क्लियर है। पी प्लस में इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, होल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो अगर हम एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज करते हैं तो कलेक्टर क्या एमिट करेगा, इलेक्ट्रॉन, मतलब ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे जो चार्ज कैरियर्स कलेक्टर एमिट करेगा। तो अब मुझे बताइए, यहां पे ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है एमिटर से, यहां पे ज्यादा से ज्यादा होल्स का एमिशन हो रहा है, करेक्ट। तो आप मुझे बताइए, इलेक्ट्रॉन की वजह से भी करंट फ्लो होता है, अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, अगर होल्स इस डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट भी उसी डायरेक्शन में जाता है। तो हमें फायदा क्या मिल रहा है, देखिए, अगर हम एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एमिट किया जाता है, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी क्या होती है, हमेशा होल से ज्यादा होती है। तो ये पॉइंट बना के लिख लीजिएगा कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन होल्स। अब मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है होल्स की वजह से, तो करंट भी हमें क्या मिलेगा, ज्यादा, और करंट ज्यादा मिलेगा तो हमारा गेन क्या होगा, ज्यादा। यानी कि एनपीएन ट्रांजिस्टर हम यूज करने से हमें ज्यादा करंट मिल रहा है, तो हम एनपीएन यूज करेंगे ना कि पीएनपी, राइट। अब हेडिंग डाल लीजिएगा हाउ डोपिंग्स आर डन, डोपिंग कैसे करी जाती है, मतलब कितनी कितनी डोपिंग की जाती है, कॉन्सेप्ट ऑफ डोपिंग हेडिंग डाल लीजिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ डोपिंग। तो देखिए, सबसे ज्यादा डोपिंग किसकी की जाती है, डोपिंग ऑफ एमीटर, एमीटर की डोपिंग सबसे ज्यादा होती है, फिर उसके बाद डोपिंग ऑफ बेस, क्योंकि बेस क्या होता है, मॉडरेटली डोप्ड। उसके बाद सबसे कम डोपिंग किसकी होती है, डोपिंग ऑफ कलेक्टर, कलेक्टर की डोपिंग सबसे कम क्यों होती है, क्योंकि उससे तो कलेक्ट करना है ना, उसको इमिट करने से तो कोई मतलब नहीं है, ज्यादा से ज्यादा एमिट चार्ज कैरियर्स को किसे करना है, एमिटर को। तो एमिटर में अगर डोपिंग ज्यादा होगी तो चार्ज कैरियर्स भी ज्यादा होंगे, और चार्ज कैरियर ज्यादा होंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा चार्ज कैरियर्स को एमिट कर सकेगा, क्लियर है। अब एमीटर सोर्स ऑफ चार्ज कैरियर्स की तरह, एमीटर को हमें सोर्स ऑफ चार्ज कैरियर्स की तरह एक्ट कराना है, इसके लिए उसकी डोपिंग भी ज्यादा रखनी पड़ेगी। अब वाई कलेक्टर इज लाइटली डोप्ड, वाई कलेक्टर इज लाइटली डोप्ड, वाई कलेक्टर इज लाइटली डोप्ड। अब देखिए, कलेक्टर को हमेशा लाइटली डोप्ड इसलिए किया जाता है क्योंकि जो हमारा एक्टिव रीजन ऑफ ऑपरेशन होता है ट्रांजिस्टर का, अगर हम ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में ऑपरेट कराते हैं, नॉर्मली हम तीन ऑपरेशन होते हैं, कट ऑफ, सेचुरेशन और एक्टिव, ये आगे मैं भी पढ़ाऊंगा। तो सबसे ज्यादा हम अपने ट्रांजिस्टर को किस रीजन में ऑपरेट कराते हैं, किस मोड में ऑपरेट कराते हैं, एक्टिव रीजन में या एक्टिव मोड में। और एक्टिव मोड में क्या होता है, जो बेस एमिटर जंक्शन है वो क्या होता है, फॉरवर्ड बायस, और बेस कलेक्टर बेस जंक्शन कैसा होता है, रिवर्स बायस, रिवर्स
बायस, राइट। इतना पता चल गया कि हमें अपने ट्रांजिस्टर को अगर एक्टिव रीजन में ऑपरेट कराना है तो बेस एमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना पड़ेगा और कलेक्टर बेस रीजन को रिवर्स बायस करना पड़ेगा। अब अगर मान लेते हैं कलेक्टर का जो डोपिंग है वो बहुत ज्यादा होता, कलेक्टर अगर हाईली डोप्ड होता तो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज डिक्रीज हो जाता बहुत ज्यादा। मतलब अगर हम कलेक्टर में थोड़ा सा भी रिवर्स बायसिंग करते तो क्या हो जाता, ब्रेकडाउन हो जाता, मतलब रिवर्स में बहुत हाई करंट मिलना शुरू हो जाती जो कि हम नहीं चाहते। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अगर कलेक्टर हमारा लाइटली डोप्ड है, अगर कलेक्टर हमारा लाइटली डोप्ड है तो रिवर्स बायस वोल्टेज क्या, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना हो जाता है, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है। मतलब वो वोल्टेज जहां पे आप रिवर्स ब्रेकडाउन करा सकते हो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। मतलब हम अगर कलेक्टर बेस को रिवर्स भी करते हैं तो वो वोल्टेज कभी भी रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज को टच नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज तो बढ़ चुका है लाइटली डोपिंग की वजह से। इसीलिए हम रिवर्स ब्रेकडाउन को नहीं देख सकते या रिवर्स ब्रेकडाउन कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे एक्टिव रीजन के केस में। तो ये हमारे लिए एडवांटेज है, इसीलिए हम कलेक्टर को लाइटली डोप्ड करते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि वाई बेस इज मॉडरेटली डोप्ड। और एक चीज और, अगर हम एरिया वाइज बात करें, एरिया वाइज अगर हम बात करें तो कलेक्टर का एरिया सबसे ज्यादा होता है, बेस का एरिया सबसे कम होता है और एमीटर का एरिया मॉडरेट होता है, मतलब ना ज्यादा होता है ना कम, करेक्ट। अब एक चीज और मुझे बताइएगा, बेस को मैंने अभी बताया मॉडरेटली डोप्ड किया जाता है और बेस का एरिया भी कम होता है, ये सही बात है। तो अब देखिए ऐसा क्यों होता है, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन, हमने 100 इलेक्ट्रॉन को एमिट किया एमीटर से। अब कायदे से क्या होना चाहिए कि ये 100 के 100 इलेक्ट्रॉन इस कलेक्टर तक पहुंचने चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। कुछ इलेक्ट्रॉन कहां पे रिकम्बाइन हो जाते हैं, बेस में। बेस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और होल्स का रिकॉम्बिनेशन होता है, जिसकी वजह से अगर हमने 100 इलेक्ट्रॉन भेजे तो कलेक्टर तक कितने ही पहुंच रहे हैं, मान लेते हैं 75 इलेक्ट्रॉन, मतलब 25 इलेक्ट्रॉन कहां गायब हो गए, बेस में जो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। यहां से हमने इलेक्ट्रॉन भेजे, बेस में क्या है, होल्स, तो इलेक्ट्रॉन होल्स के साथ क्या कर लेंगे, रिकम्बाइन रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा और कलेक्टर तक जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम पहुंचेंगे। मतलब कलेक्टर तक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम पहुंच रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, कलेक्टर की करंट हमारी डिक्रीज हो रही है, राइट। तो अगर बेस को हम हाईली डोप्ड करते हैं तो होल्स मान लीजिए बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो होल्स ज्यादा बढ़ रहे हैं तो रिकॉम्बिनेशन भी बढ़ेगा। या अगर हम एरिया ज्यादा रखते हैं, राइट, अगर हम एरिया ज्यादा रखते हैं तो फिर से रिकॉम्बिनेशन बढ़ जाएगा। इसीलिए बेस को लाइटली डोप्ड और उसकी जो एरिया है उसे या थिकनेस जो है उसे मिनिमम रखते हैं। आप खुद देख लीजिए, मान लीजिए हम एनपीएन ट्रांजिस्टर बना रहे हैं, एनपीएन, ये रीजन हाईली डोप्ड है, ये लाइटली डोप्ड है, यहां पे क्या है, मेजोरिटी होल्स हैं, मतलब सॉरी इलेक्ट्रॉन्स हाई हैं, इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में है और पी में क्या होता है, होल्स मेजोरिटी में है। तो यहां से हमने इलेक्ट्रॉन भेजा 100, बट 100 के 100 कलेक्टर तक नहीं पहुंचे, कुछ यहां पे जो होल्स हैं पी रीजन में उसमें रिकम्बाइन हो गए। तो इसलिए हम बेस का जो रीजन है उसे छोटा ही रखते हैं ताकि रिकॉम्बिनेशन कम से कम हो और हमारी ज्यादा से ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज कैरियर्स हैं वो कलेक्टर तक पहुंचे
और कलेक्टर करंट हमें ज्यादा से ज्यादा मिले। ये बात क्लियर हो गई। अब एक बात बताइए, कलेक्टर का जो एरिया है वो सबसे ज्यादा क्यों रखा जाता है? मैंने आपको बताया था कलेक्टर का एरिया सबसे ज्यादा इसलिए रखा जाता है क्योंकि कलेक्टर ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, रिवर्स बायस। कलेक्टर बेस जंक्शन हम क्या करते हैं, रिवर्स बायस। अगर हमें एक्टिव रीजन चाहिए, ज्यादातर एक्टिव रीजन का यूज होता है, तो कलेक्टर ज्यादा से ज्यादा किसे फेस कर रहा है, रिवर्स बायस को। अगर कलेक्टर रिवर्स बायस को फेस कर रहा है तो यहाँ पे पावर लॉस कितना हो जाएगा, पावर लॉस हो जाएगा कलेक्टर करंट इनटू कलेक्टर टू बेस वोल्टेज। तो रिवर्स बायस होने की वजह से जो पावर लॉस है ये बढ़ रहा है। अब इस पावर को अगर डिसिपेट नहीं किया गया तो हीट हमारी बढ़ती चली जाएगी जो कि एरिया को डिस्ट्रॉय कर सकती है, या बीजेटी के जो कलेक्टर रीजन है उसे डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो हम हीट को डिसिपेट करने के लिए क्या करते हैं, कलेक्टर का रीजन थोड़ा हाई रखते हैं, एरिया थोड़ा सा हाई रखा जाता है ताकि जो हीट इसमें जनरेट हो रही है रिवर्स बायस होने की वजह से वो डिसिपेट हो जाए इसके लिए, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने कॉन्सेप्ट पे, दैट इज हाउ मेनी मोड ऑफ ऑपरेशन इन बीजेटी इज पॉसिबल। तो हेडिंग डाल लीजिएगा मोड ऑफ ऑपरेशन। तो हेडिंग आई होप आपने डाल लिया होगा, मोड ऑफ ऑपरेशन। तो देखिए यहाँ पे टोटल हमें तीन मोड ऑफ ऑपरेशन पढ़ने होते हैं। पहला होता है एक्टिव मोड, ये हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। एक्टिव मोड के केस में जो कलेक्टर बेस होता है वो क्या होता है, रिवर्स बायस, और एमीटर बेस कैसा होता है बताइए, फॉरवर्ड बायस। अगर हमने दोनों को फॉरवर्ड बायस कर दिया, फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस, तो ये किसमें वर्क करने लगता है, सैचुरेशन मोड में, सैचुरेशन मोड में। हमने दोनों को रिवर्स बायस कर दिया तो ये किसमें काम करने लगता है, कट ऑफ मोड में, राइट। अब एक और मोड है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें नहीं पढ़ना होता है, बट देख लीजिए ये तीनों मोड हमें पढ़ने हैं, वी हैव टू स्टडी। बट एक और मोड होता है कि अगर ये रिवर्स बायस हो और ये फॉरवर्ड बायस हो, यानी कि एमीटर बेस जंक्शन हमारा रिवर्स बायस हो और कलेक्टर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो, तो इसे बोलते हैं इनवर्स एक्टिव मोड। इनवर्स एक्टिव मोड हम ये यूज नहीं करते, इसीलिए हम इसे नहीं पढ़ेंगे, राइट। तो ये याद कर लीजिएगा, ये वन लाइनर्स में कई बार पूछा जा चुका है। अब हम बात करते हैं वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर हमारा काम कैसे करता है, वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर। तो देखिए ट्रांजिस्टर की वर्किंग के लिए हम आपको को दोनों में से कोई भी ले सकते हो, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की जगह होल्स आ जाएगा, होल्स की जगह इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, लेने को आप कोई भी जो टाइप है वो ले सकते हो। तो हम क्या ले लेते हैं, पीएनपी करके देख लेते हैं। तो यह है पी, यह है एन, यह है पी, करेक्ट। यह है हमारा बेस, एमिटर रीजन, यह है हमारा कलेक्टर बेस रीजन। याद आ रहा है समझ में, अरे ये हमारा क्या है, एमीटर ही तो है, ये हमारा क्या है, बेस तो है, ये हमारा क्या है, कलेक्टर। तो कलेक्टर, बेस और एमीटर, हमें दो जंक्शन मिल गए, कौन कौन से, बेस एमीटर जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन। अब मुझे बताइए
अगर हम चाहते हैं अपना एक्टिव ऑपरेशन, एक्टिव ही मोड हमें पढ़ना है ज्यादातर, तो एक्टिव मोड ऑपरेशन में कॉमन बेस जंक्शन कैसा होता है, सॉरी कलेक्टर बेस जंक्शन कैसा होता है, रिवर्स बायस। और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस करना है तो पी को, पी टाइप कंडक्टर को हमें किससे कनेक्ट करना पड़ेगा, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से। और एन टाइप को हमें किससे कनेक्ट करना पड़ेगा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से। करेक्ट, इतना हो गया। अब अगर बेस एमिटर को हमें फॉरवर्ड बायस करना है तो पी रीजन को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा पॉजिटिव टर्मिनल से और एन को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा नेगेटिव टर्मिनल से। तो हम इसे बोल देते हैं VEE और इसे हम बोल देते हैं VCC। इतना समझ में आ रहा है? अब ध्यान दीजिएगा, अब इसकी वर्किंग बहुत ध्यान से समझिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ये जो P रीजन है, ये P प्लस रीजन है और ये P माइनस है। तो P प्लस रीजन में क्या होगा, होल्स की अधिकता होगी और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मिनिमम होंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है, तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है होल्स को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। अब होल्स अगर इस डायरेक्शन में रिपेल हो रहे हैं तो करंट भी सेम डायरेक्शन में ही रहेगी। तो मान लेते हैं ये करंट है हमारी IE1, तो यहाँ पे IE1 क्या है लिख लीजिएगा, IE1 है होल करंट फ्लोइंग फ्रॉम एमिटर टू बेस। करेक्ट। अब एक चीज और मुझे बता दीजिए, पी प्लस टाइप में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मिनिमम होंगे, बट होंगे तो सही इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा क्योंकि उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट हमेशा कौन फ्लो करता है, करंट। तो यहां से एक और करंट फ्लो हो जाएगी जिसे हम बोल देते हैं IE2। तो यहां पे IE2 क्या है, इलेक्ट्रॉन करंट फ्रॉम एमिटर टू बेस। अब टोटल करंट एमिटर में मान लेते हैं कितनी आ रही है, IE। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि जो IE करंट है वो दो करंट्स को मिला के बनी हुई है, IE1 प्लस IE2, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब देखिएगा, मैंने क्या बताया कि P प्लस या एमिटर वाले रीजन में होल्स की अधिकता है और इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, कम हैं। तो होल्स की अधिकता होने की वजह से जो IE1 करंट है, क्योंकि ये होल करंट है, IE1 करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी और IE2 करंट की वैल्यू बहुत कम होगी। तो हम बोल सकते हैं कि IE1, the value of IE1 is very high as compared to IE2, so we can neglect IE2। इसे equation first मान लीजिए। तो total emitter current किस चीज की बनी होगी, IE is equal to IE1। बताइए, ऐसा बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। अब देखिएगा, अब हमारी जो ये IE1 current है, IE1 करंट है वो कहां जा रही है, कलेक्टर में जा रही है, बट बीच में बेस से पास होते हुए जाएगी। बेस में क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे क्योंकि ये एन टाइप क्या है, सेमीकंडक्टर। तो यहां से IE1 किस चीज की बनी हुई है, होल्स की बनी हुई है। तो मान लेते हैं करंट जो है, या करंट की जगह होल मान लीजिए आप, क्योंकि होल और करंट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इस डायरेक्शन में होल करंट जा रही है, सॉरी होल्स जा रहे हैं। इन होल्स को कहां पहुंचना है, कलेक्टर तक, बट ये बेस से होते हुए जाएंगे। तो कुछ होल्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन से रिकम्बाइन हो जाएंगे, राइट। मतलब मान लीजिए 100 होल्स हमने यहां से भेजे, तो बीच में एन टाइप सेमीकंडक्टर है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो
होल्स क्या हो जाएंगे, इस इलेक्ट्रॉन से रिकम्बाइन हो जाएंगे और मान लेते हैं 100 से कम 75 होल्स पहुंचते हैं, और होल्स और करंट की डायरेक्शन सेम होती है, तो मान लेते हैं इस करंट की भी डायरेक्शन होल्स की डायरेक्शन में होगी और इसे मान लेते हैं IC1। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। IC1 को क्या मान लेते हैं, IC1 हमारा क्या है, करंट ड्यू टू होल्स क्रॉसिंग फ्रॉम बेस, राइट, करंट ड्यू टू होल्स क्रॉसिंग फ्रॉम बेस। अब एक चीज मुझे बताइए, यहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, इस इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन यानी कि होल्स कितने गायब हुए हैं बताइए, 100 यहां से हमने भेजे थे, 75 यहां पहुंचे, तो मान लेते हैं 25 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, 25 होल्स के साथ रिकम्बाइन हो गए। तो अब बैलेंस तो बिगड़ गया हमारा, इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए क्या होगा बताइए, इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए जो 25 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो गायब हुए हैं रिकॉम्बिनेशन की वजह से, वो कौन सप्लाई कर देगा, बेस। यहां से इलेक्ट्रॉन जो है 25 इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं हमारे सप्लाई ने बेस को दे दिए। अब जो 25 इलेक्ट्रॉन सप्लाई ने बेस को दिए हैं उसकी डायरेक्शन ये है, तो बेस करंट यहां से एक फ्लो होना चाहिए क्या, IB1, करेक्ट, IB1 फ्लो होना चाहिए। तो IB1, यहां तक आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ना। अब देखिए एक चीज और मुझे बता दीजिए कि ये जो IE1 करंट है 100 होल्स की वजह से, ये IE1 करंट है, यही 100 होल्स किधर के लिए रवाना हो रहे हैं, कलेक्टर की तरफ, बट पहुंच की तरह रहे हैं 75 होल्स, तो IC1 की है, भी क्या है, होल करंट। तो आप मुझे कंपेयर करके बता दीजिए कि IE1 IC1 में से कौन सा करंट ज्यादा होगा, तो याद रखिएगा IC1 करंट कम होगा IE1 से, क्योंकि IE1 करंट जब चला था तो ये IE1 करंट कितने होल्स की वजह से था, मान लेते हैं 100 होल की वजह से, बट जो IC1 कलेक्टर तक करंट पहुंचा है वो कितने होल्स की वजह से बना है, 75, 25 गायब हो गए बीच में बेस की वजह से, तो हमेशा IE1 को मान लेते हैं कि वो बड़ा है किससे, IC1 से, बिकॉज ऑफ, लिख लीजिएगा नोट्स में, ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन इन बेस रीजन, ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन इन बेस रीजन। ये आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब ये जो IE2 करंट है इसका क्या करें, इसका तो हमने अभी तक देखा ही नहीं, तो ये IE2 करंट बहुत कम है, देखिए IE2 इज वेरी लेस देन IE1, तो हम इसे क्या कर रहे हैं, एमीटर में कंसीडर नहीं कर रहे हैं, IE1 बहुत बड़ा है IE2 से, तो IE2 इसके सामने नेग्लेक्ट कर देते हैं हम IE1, बट IE2 को हम कंसीडर कर लेते हैं कहां पे, बेस में, करेक्ट। तो टोटल बेस करंट कितनी हो जाएगी, टोटल बेस करंट हो जाएगी, हम मान लेते हैं IE2 वाली करंट को, ठीक है इसको एमीटर में कंसीडर नहीं कर रहे, इसे IB2 मान लेते हैं, इसे बेस करंट मान लेते हैं, तो टोटल बेस करंट हमारी कितनी हो गई, एक तो IB1, दूसरे कितनी हो गई IB2, तो IE2 को हमने IB2 मान के बेस के साथ कंसीडर कर लिया। अब आप मुझे बताएंगे कि ये IB1 और IB2 है कि कौन कौन सी करंट, IB1 करंट वो करंट है जो उस इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो हो रही है, बहुत ध्यान से समझिएगा, IB1 वो करंट है जो उस इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो हो रही है जो बैटरी ने सप्लाई किए थे 25 इलेक्ट्रॉन, याद है 25 रिकॉम्बाइन हो गए थे, तो यहां पे 25 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई थी एन रीजन में, तो उतने इलेक्ट्रॉन को कौन सप्लाई कर देता है, ये बैटरी, तो इस बैटरी से
एन टाइप सेमीकंडक्टर में 25 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की उल्टी दिशा में करंट फ्लो होती है, तो ये IB1 करंट उसकी वजह से फ्लो हो रही है, और ये IE2 को हमने क्या मान लिया है, IB2। तो ये करंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो टोटल यहां से, वन सेकेंड, टोटल यहां से IE करंट जा रही है, तो कलेक्टर से निकलनी कितनी चाहिए करंट, IC। टोटल करंट IC निकलनी चाहिए। अब एक चीज मुझे बताइएगा, क्या हम टोटल करंट IC को IC1 के बराबर बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, बट बोलेंगे नहीं, क्योंकि एक और करंट आ जाती है टेम्परेचर इफेक्ट की वजह से इन कलेक्टर, जिसे हम बोलते हैं ICBO। तो ये IC1 करंट और ये ICBO करंट मिला के क्या बना देंगी, कलेक्टर करंट। तो देखिएगा, कलेक्टर करंट टोटल क्या हो जाएगा, IC प्लस ICBO, IC1 सॉरी। तो अब मुझे बताइए ICBO क्या है, ICBO है हमारी रिवर्स सैचुरेशन करंट। ICBO क्या है, रिवर्स सैचुरेशन करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट। ICBO का मतलब क्या होता है, ICBO का मतलब होता है रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑफ कलेक्टर बेस जंक्शन, रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑफ कलेक्टर बेस जंक्शन व्हेन एमीटर इज ओपन। दैट्स व्हाई यहां पे हमने ओ लिखा हुआ है। ओ का मतलब क्या होता है, ओपन। कौन नहीं है यहां पे, कलेक्टर है, बेस है, एमीटर नहीं है, यानी कि एमीटर ओपन। कलेक्टर बेस जंक्शन की करंट जब एमीटर कैसा है, ओपन, राइट। और IC1 आपको पता है, जो 100 होल चले थे 75 पहुंचे थे, तो उस 75 होल्स की वजह से जो करंट है वो IC1 है। ये समझ में आ गया आपको। चलिए, तो कभी कभी इस ICBO को ICO इज इक्वल टू ICBO प्लस सरफेस करंट, ये कभी कभी पूछ दिया जाता है, सरफेस करंट इस तरह से भी लिखा जाता है। तो सरफेस करंट को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, तो ICO क्या हो जाता है, ICBO के बराबर, करेक्ट। अब ये ICBO करंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये किसी चीज पे नहीं डिपेंड करती है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। और हर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर पे ये जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है ये कैसी हो जाती है, डबल। टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड इट डबल्स आफ्टर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर, राइट। तो ये सारी चीजें आपको पता चल गई। अब देखिए, एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, यहां पे दो करंट मैंने आपको बताई थी, एक थी IC1, एक थी IE1। ये IE1 वाली करंट कौन सी है, जो 100 होल्स की, यहां पे 100 होल्स में एग्जांपल ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, 100 होल्स की वजह से चली थी एमीटर से, जिसमें से 25 क्या हो गए थे, बेस में ड्रॉप हो गए थे, रिकम्बाइन हो गए थे। तो ये 75 होल्स की वजह से जो कलेक्टर तक करंट पहुंची थी वो है IC1। तो एक चीज और मैंने बताई थी कि IE1 इज ग्रेटर देन IC1, राइट। अब IC1 की वैल्यू बड़ी है IE1 से, तो अगर हम IC1 अपॉन IE1 की का रेशियो निकालें, IC1 छोटा है IE1 बड़ा है, तो इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं अल्फा के बराबर होती है, और ये होता है लेस देन वन, ये होता है
लेस देन वन। अल्फा क्या है? फॉरवर्ड करंट गेन। अल्फा को बोला जाता है फॉरवर्ड करंट गेन। एक चीज और मुझे बताइएगा कि आईसी की टोटल वैल्यू हमने कितनी लिखी थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आईसी इज इक्वल टू हमने क्या लिखा था? आईसी वन प्लस ICBO। तो IC इज इक्वल टू, यहां से IC1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? IE1 इंटू अल्फा या अल्फा IE1 प्लस ICBO। अब ऊपर देखिए मैंने क्या बताया था कि IE इज इक्वल टू क्या था? IE1 प्लस IE2। IE2 को हम नेगलेक्ट कर रहे थे क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत कम थी एज कंपेयर टू IE1, तो IE इज इक्वल टू IE1 लिख सकते हैं। तो IC इज इक्वल टू अल्फा IE प्लस ICBO। ये जो इक्वेशन है ये याद रखिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है इस इक्वेशन से। आपको कलेक्टर करंट और एमिटर करंट दे दिया गया होगा, फॉरवर्ड करंट गेन अल्फा दे दिया गया होगा, आपको बताना होगा कि रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या है, ICBO की वैल्यू। तो इस फॉर्मूला से आप डायरेक्ट बता सकते हो। अब एक चीज और मुझे बताइएगा, अगर आपसे कोई पूछता है कि मुझे आप रेशियो बता दीजिए IC1 अपॉन IB1 का, तो इसे बोला जाता है बीटा, राइट। अब एक चीज मुझे बता दीजिए कि ये 1 से बड़ा होता है या 1 से छोटा? तो IC1 जो करंट है वो कितने होल से मिला के बना है? मैंने एग्जांपल दिया था ऊपर 75, मतलब IC1 की वैल्यू IB1 से ज्यादा होगी, IB1 कम होगा, इसका मतलब ये ग्रेटर देन 1 होता है। अप्रोक्सीमेटली ये 100 होता है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये पता चल गया आपको। अब चलिए अब हम चलते हैं करंट रिलेशंस पे, करंट का जो रिलेशनशिप होता है जिससे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं वो देखते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा करंट रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन करंट। तो यहां पे वर्किंग को समझने के लिए हमने कौन सा ट्रांजिस्टर यूज किया था बताइए, एनपीएन या पीएनपी? जल्दी से नोट्स देखिए, हमने यूज किया था क्या? PNP मतलब एमीटर करंट को हम अंदर से जाता हुआ दिखाएंगे, तो ये हो जाएगा बेस करंट, ये हो जाएगा हमारा कलेक्टर करंट। और एक और रिलेशनशिप मैंने आपको लास्ट में क्या प्रूफ करवाया था, नोट्स चेक करिए, क्या प्रूफ करवाया था, नोट्स चेक करिए। IC इज इक्वल टू अल्फा IE प्लस ICBO, ये मैंने प्रूफ कराया था। ICBO क्या था? रिवर्स सैचुरेशन करंट। इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये PNP, ये जो हमारा PNP ट्रांजिस्टर है, यहां से चेक करिए कि जो करंट है वो किस तरह से फ्लो हो रही है। तो यहां से हमें मिल रहा है IE इज इक्वल टू IC प्लस IB। KVL लगाइए, KCL लगाइए यहां पे। तो हम यहां पे इक्वेशन फर्स्ट में से IE की वैल्यू पुट कर देते हैं कहां पे, इस इक्वेशन में। चलिए देखते हैं, तो हमें IC कितना मिल जाएगा, अल्फा IE हमारा कितना है, IC प्लस IB प्लस ICBO। तो IC इज इक्वल टू अल्फा IC प्लस अल्फा IB प्लस ICBO। अल्फा IC को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, IC कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा IB प्लस ICBO। इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड। अब एक आप काम करिए, डिवाइड द इक्वेशन थर्ड बाय 1 माइनस अल्फा बोथ साइड। तो दोनों साइड हम क्या कर देते हैं, 1 माइनस अल्फा से डिवाइड कर देते हैं, 1 माइनस अल्फा। तो ये कैंसिल आउट हो गया, हमें IC कितना मिला, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा
आई बी प्लस वन अपॉन वन माइनस अल्फा आई सी बी ओ, ये करेक्ट है। तो ये वाला जो टर्म है अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा, इसी को बोला जाता है बीटा। बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा, और बीटा की वैल्यू क्या होती है, 100 के लगभग होती है, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन 1। और यहां से आप अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो, ये प्लस नहीं है, ये माइनस होगा। अगर यहां से आप अल्फा की वैल्यू निकालते हो तो आपको मिल जाएगा अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन वन प्लस बीटा। तो बीटा अपॉन वन प्लस बीटा की वैल्यू अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप क्या बताओगे, लेस देन 1, करेक्ट। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, बस यहां पे हमें मिल जाएगा आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी, बीटा आई बी प्लस आई सी बी ओ अपॉन वन माइनस अल्फा, करेक्ट। तो यहां से बीटा की वैल्यू या वन माइनस अल्फा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। देखिए जरा इस पर्टिकुलर इक्वेशन को ध्यान दीजिए, वन माइनस अल्फा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी, अल्फा अपॉन बीटा, और अल्फा अपॉन बीटा, यहां को बीटा यहां भेज दीजिए, हम इसे क्या बोल सकते हैं, इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस बीटा। तो वन माइनस अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन वन प्लस बीटा, इन दो इक्वेशन से। तो आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी, ये आई बी है, प्लस वन प्लस बीटा आई सी बी ओ। तो हमें एक और फॉर्मूला यहां से मिल गया, ये वाला जो टर्म है ये कहलाता है आई सी ई ओ। तो यहां से आई सी हमें कितना मिल गया, बीटा आई बी प्लस वन प्लस बीटा आई सी बी ओ, सॉरी आई सी ई ओ, इसकी जगह पे हम आई सी ई ओ लिख सकते हैं। अब मुझे आप बताइए, आई सी बी ओ को मैंने आपको अच्छी तरह समझाया था ये क्या होता है, तो अब आप मुझे डायरेक्टली बता सकते हो क्या कि इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से आई सी ई ओ क्या हो जाएगा। यहां पे ओ का क्या मतलब होता है, ओपन, कौन सा टर्म नहीं है, कलेक्टर है, एमीटर है, बेस नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, कलेक्टर टू एमीटर जंक्शन करंट व्हेन बेस इज ओपन, ये क्वेश्चन में आपको आ सकता है, कलेक्टर टू एमीटर जंक्शन करंट व्हेन बेस इज ओपन, ये आपको समझ में आ रहा है। अब इसको हम जस्टिफाई कैसे करेंगे, कि कैसे हम बोल दें कि ICBO जो करंट है वो तब की करंट होगी जब एमीटर हमारा ओपन हो जाएगा। तो इसको भी देख लेते हैं, ये फॉर्मूला तो आपको कंठस्थ होना चाहिए, याद होना ही चाहिए, IC इज इक्वल टू अल्फा IE प्लस ICBO, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिए। एक और फॉर्मूला IC का मैंने अभी आपको बताया, IC इज इक्वल टू बीटा IB प्लस वन प्लस बीटा ICBO, ये दो फॉर्मूले हैं IC के। अब देखिए मैंने ICBO को क्या बताया था, ये कलेक्टर करंट है या कलेक्टर टू बेस जंक्शन की करंट है जब एमीटर को हमने ओपन कर दिया। तो यहां पे एमीटर को ओपन कर दीजिए, अगर क्या होगा, एमीटर करंट जीरो, अगर एमीटर करंट जीरो हो तो ये वाला टर्म जीरो, तो यहां पे डायरेक्ट कलेक्टर करंट किसके बराबर आ जाएगी, ICBO को। तो अगर कभी भी इस तरह का सवाल पूछ ले तो आप डील करना, मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। तो ये करंट रिलेशन का जो बेसिक
क्लास है वो आज हमने कंप्लीट कर ली। कल का जो लेक्चर है वो बेस्ड रहेगा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बीजेटी पे, तो मतलब कल हम स्टार्ट करेंगे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, राइट। सो थैंक यू वेरी मच।